सावधान। अगर आज मैं तो एक कमरा है। सावधान। बाल हनुमान, ये आपके साथ नया बालक कौन है? वो माते हैं। मुझे बोलने दीजिए। राजमाता, मैं हूँ नारद, छोटा नारद। आपने ये नारद से छोटे नारद की उल्टी यात्रा इतने शीघ्र कैसे तय की? दीजिए तो दीजिए। हाँ, यही तो है शक्ति नारद की। अभी आप शीघ्र ही अपने असली रूप में आ जाइए। ये तो असंभव है, अब दो माह तक मैं इसी रूप में हूँ। तो आप मुझे राजा बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल लीजिए। आप बाल नारद हो जाओ या वृद्ध नारद, महाराज तो आपको ही बनना पड़ेगा। ऐसी भी क्या विपत्ति आ गई कि आपको एक बालक को राजा बनाने में कोई आपत्ति नहीं? आप जानना चाहते हैं? अवश्य। तो आइए मेरे साथ। चलिए। रुकिए हनुमान, देख रहे हैं महाराज। इसमें देखने की क्या आवश्यकता है राजमाता? स्नान के लिए जल गर्म करने का प्रबंध मात्र है। ये क्या कर रहे हैं? मेरे चारों ओर कोई कीड़ा है क्या? राजमाता, आपने तो मुझे सच का बालक समझ लिया। राजमाता कुछ कीजिए, मारुति मेरी मदद कीजिए। राजमाता कुछ कीजिए। ये शापित जल है महाराज, अगर इस राज्य को निश्चित मुहूर्त तक राजा नहीं मिला तो ये शापित जल की अग्नि में पूरा राज्य भस्म हो जाएगा। अगर अश्विन नक्षत्र तक आपका राज्याभिषेक नहीं हुआ तो ये पात्र जल से भर जाएगा। ये शापित जल पात्र की सीमा को लांघकर पूरे राज्य को जलमग्न कर देगा और यहां राख के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। महाराज, इस राज्य की प्रजा का जीवन मृत्यु अब आपके हाथ में है। मैं कभी भी कच्छप निधि प्राप्त नहीं होने दूंगा। तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो? हाँ। कहीं मेरा उपहास तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कटे नहीं। किंतु उसके पहले तुम्हें हमारे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं तैयार हूँ। राजा बनने के बाद क्या करोगे? मल्लयुद्ध, एक राज्यव्यापी मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। दूर दूर के राज्यों से मल्लयुद्धों को आमंत्रित करूंगा, सबको ढूल चढ़ाऊंगा,
राज्य का नाम प्रकाशित करूंगा। और क्या करोगे? एक और मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो मुनिवर? मेरी बात तो सुनते जाइए। बच गए मुनिवर, अन्यथा तो ये राजा आपके साथ पूरी प्रजा को अखाड़े में लाकर पटक देता। देखिए मुनिवर, एक घड़ी बीत चुकी है, हमारे पास बहुत कम समय शेष है। तो भिन्न दिशाओं में राजा को खोजते बाल हनुमान, ताकि शीघ्रता से योग्य व्यक्ति को ढूंढ सके। आप वहां जाइए, मैं ये मार्ग पर जाता हूँ। तुम्हें सुपात्र अवश्य मिलेगा। लगता है मैं गलत दिशा में आ गया हूँ। ये सब क्या है? ये सब जानने के लिए मुझे इस जाल में थोड़ी देर और रहना होगा। मुनिवर, तब तक आप ही राजा को खोजिए। बल तो है, किंतु राजा बनने के लिए बल ही काफी नहीं। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे विचार और तुम्हारा चरित्र, तीनों की परीक्षा लेनी होगी। यात्री को थोड़ा जल मिलेगा? अभी लाया बालक। धन्यवाद। तुम यात्री हो, इतनी छोटी सी आयु में। आप, मैं, सूर्य, चंद्र, धरती, हम सब यात्री ही तो है। सूर्य चंद्रमा को तो कुछ कह नहीं सकता, किंतु यदि आप मेरी कुटिया में विश्राम करना चाहे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अवश्य। चलिए। हाँ। अच्छा, तो ये है, इसे यहीं मार दे या अपने साथ ले चले? यहीं मार देते। इसे यहीं मार दे या अपने साथ ले चले? यहीं मार देते। जय श्री राम। सैनिकों से क्या लड़ते हो? दंड? साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तो चलो आ जाओ। लीजिए बालमुनि। आपका
आचरण देखकर मैं प्रसन्न हो गया। आप कौन हैं? यदि आपका आशय मेरे नाम से है तो मैं निर्मोही हूँ, और यदि आपका आशय मेरे कार्य से है तो मैं इस राज्य का किसान। किंतु अगर इसी प्रकार आप हर यात्री को भोजन खिलाएंगे तो क्या आपका भंडार कम ना होगा? आप एक पथिक हैं बालमुनि, और पथिक को भोजन कराना धर्म का कार्य है, और मैं एक किसान हूँ। मनुष्य मात्र के लिए भोजन उपलब्ध कराना मेरा परम कर्तव्य है, और जो कर्तव्य का निर्वाह न कर पाए ऐसे भंडार से क्या लाभ। तुम युद्ध तो अच्छा करते हो, किंतु मुझ पर आक्रमण क्यों किया? ये वन मेरी संपदा है और मैं इसका रक्षक, इसी की रक्षा करने हेतु मैंने तुम पर आक्रमण किया। यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं और पुनः वन संपदा को हानि पहुंचाऊं तो भी तुम मुझे रोकोगे? आखिरी श्वास तक, जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं इन वनों की रक्षा करूंगा। इस राज्य की रक्षा करना चाहोगे क्या? नारायण नारायण। बाल हनुमान, महाराज लेयो को पत्र मिल गया मुनिवर? हाँ मिल तो गया है, किंतु ये बात आपको कैसे ज्ञात हुई? मैंने ही तो ढूंढा है योग्य व्यक्ति। किंतु मैंने भी एक योग्य व्यक्ति ढूंढ लिया है। अच्छा, किंतु मेरा वाला तो वीर है। हाँ मेरा वाला भी बलवान है। मेरा वाला प्राण देकर भी राज्य की रक्षा करेगा। मेरा वाला ज्ञानी है, करुणा का सागर है वो। अच्छा, मेरा वाला साहसी है, योद्धा है। किंतु आप मेरे पात्र से मिले बगैर ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो चले। जय महाराज की। जय महाराज की। जय महाराज की। जय महाराज की। जय। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये हमारा सौभाग्य है कि नारद हमारे राजा बनने के लिए तैयार हो गए। इनके कारण ही हम आज संकट मुक्त हो जाएंगे और हम सब श्राप मुक्त हो जाएंगे। राजपुरोहित जी, राज्याभिषेक आरंभ करें। ठहरिए, मैं आप लोगों का राजा नहीं बन सकता हूं। सब कुछ जानते हुए भी आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं जो भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। मैं तो एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, और आप लोगों का राजा आपके मध्य से ही निकल कर आना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति है जो राजा बनने योग्य है? हमने एक व्यक्ति खोज लिया है। कौन है वो? वो वीर है, बलवान है, साहसी है। किंतु कहाँ है वो? ये कहाँ रह गया? उसने मुझे वचन दिया था कि वो आएगा। मैं यहाँ हूँ हनुमान। नारद, अब तुम्हें राजा तो बनना ही पड़ेगा, अन्यथा तुम्हारे राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कहाँ है वो योग्य व्यक्ति महाराज? मैंने और आपने जिसे चुना था वो तो आया ही नहीं मुनिवर। ठहरिए, आपका वास्तविक राजा आ गया है। कौन है वो? निर्मोही। निर्मोही, एक किसान? एक किसान ही सच्चे अर्थों में पूरे राज्य का भरण पोषण करता है।
अतः निर्मोही का पूरा अधिकार है इस राज्य का राजा बनने का। आप ही हमारे महाराज हैं, आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। निर्मोही ही हमारे राजा बनेंगे। राजपुरोहित जी, राज्याभिषेक प्रारंभ करें। मुनिवर, बाल हनुमान, आपके ही कारण हमारे इस राज्य के ये संकट दूर हुए हैं। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आभारी तो हम आपके हैं राजमाता, जो आपने हम पर विश्वास किया। अब आज्ञा दीजिए माते। मुनिवर की जय। बाल हनुमान की जय। मुनिवर की जय। बाल हनुमान की जय। मुनिवर की जय। बाल हनुमान की जय। बाल हनुमान, अब तो हमने सारी परीक्षाएं पूर्ण कर ली है, किंतु हमें अब तक कच्छप निधि क्यों नहीं प्राप्त हुई है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ मुनिवर। अब आपकी कोई और परीक्षा नहीं होनी है। आप दोनों ने मिलकर कच्छप निधि की तीनों परीक्षाओं को पार कर लिया है। अतः धन और ऐश्वर्या की इस कच्छप निधि को आप धारण कर सकते हैं। देवश्री, कर्म का फल कच्छप निधि होता है। बस इसे शीघ्र संसार में स्थापित करने की व्यवस्था करनी होगी। आपकी आज्ञा अनुसार इस कच्छप निधि को तो हमने प्राप्त कर लिया है, किंतु संसार के कल्याण हेतु इसे स्थापित करने का कार्य आप ही को सिद्ध करना होगा। तो प्रभु, शीघ्र इसे स्थापित कर संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाइए। अवश्य नारद। नारद, हनुमान, कच्छप निधि संसार के सभी मंदिरों में स्थापित हो चुकी है। अब जो कोई भी इस निधि के समक्ष सच्ची निष्ठा से आराधना करेगा, उसे धन, ऐश्वर्य और संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। किंतु ये तो केवल मात्र शुरुआत है।
संसार के कष्टों को मिटाने हेतु जिस मार्ग पर आप लोग चल निकले हैं वो बहुत लंबा है और कठिनाइयों से भरपूर। अभी तो आपको सभी निधियों को स्थापित करना है, बस धैर्य और परिश्रम के साथ अपने कार्य की ओर बढ़ते जाइए। लगता है शंग निधि का मार्ग प्रारंभ हो गया है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। Oh, my God.